हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआर टी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट के बारे में कि वर्तमान में शाम 6 बजे के अनुसार राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं और आज रात आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली हैं तेज बारिश की गतिविधियां। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से तेज तो कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। विशेषतः देखा जाए तो बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर सीकर के आसपास कई इलाकों में, छिरोई से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर जयपुर तक देखा जाए तो घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इन संपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो आज रात इन क्षेत्रों में कहीं की तेज बारिश की गतिविधियां फिर से होने की संभावना है, क्योंकि लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी जरधारा के सहारे इन क्षेत्रों में नमी पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। आज वर्तमान में देखा जाए तो बाड़मेर के कई इलाकों से लगाकर जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर के कई इलाकों में भी घने बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर टोंक, सवाईमाधोपुर, जाजपुर से लगाकर भीलवाड़ा, अजमेर, मेड़ता सिटी से लगाकर नागौर के कई इलाकों में और जोधपुर के कई इलाकों में आपको घने बादल देखने को मिल रहे हैं। उत्तरी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई इलाकों में हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, परंतु आज रात से इन क्षेत्रों में एक बार फिर बादलों का घना जमावड़ा शुरू हो सकता है। बीकानेर के कई इलाकों में भी आज रात बारिश की गतिविधियां तेज आंधी के साथ तो कहीं कहीं ओलावृष्टि के रूप में देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर के पश्चिम में देखा जाए तो बॉर्डर के सटे इलाकों में वर्तमान में घने बादल जमते हुए देखने को मिल सकते हैं और जल्दी ही बादल संघनित होते हुए जैसलमेर से लगाकर श्रीमोहनगढ़, रामगढ़ और पोखरण तक कहीं कहीं आप तेज आंधी के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गडरा और सेव उंडू, बाड़मेर से लगाकर धोरीमीना, सुराना, बालोतरा के मध्य संपूर्ण इलाकों में ऊंचे वाले घने बादल देखने को मिल रहे हैं और कहीं की हल्की बारिश की गतिविधियां तो कहीं की मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है, परंतु रात में एक बार फिर से इन क्षेत्रों में मौसम बदलाव देखने को मिलेगा और कई इलाकों में तेज बारिश बादल देखने को मिल रहे हैं और ज्यादातर इलाकों की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्र में बादल बने हुए हैं और आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो किस प्रकार से पिछले 6 घंटे के अंदर राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर बादलों का निर्माण होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर के बाद से देखा जाए तो इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में भरपूर नमी पहुंचती हुई नजर आ रही है और आज रात इन क्षेत्रों में बड़ा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के कई इलाकों में भी जल्दी बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो किसान अपनी सावधानी रखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।